मसाला भिंडी बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार लग रही है देखने में। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। घर में बनाना बहुत ईजी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यास्मीन उमा खान चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला फ्राई की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया था, उसको मैंने अच्छा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले भिंडी को ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम भिंडी ली है और 2-2 पीसेस में इनको कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये 2-2 पीसेस में कट की हुई हमारे पास में 300 ग्राम भिंडी है। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 पिंच के करीब सॉल्ट, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मसाले के अंदर हम सॉल्ट पूरा ऐड करेंगे। इसको हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हमें इतना फ्राई करना है कि हल्का हल्का सा ये जो कलर है इनका चेंज हो जाए, इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। भिंडी को हमें पूरी तरीके से कुक नहीं करना है, सिर्फ फ्राई करना है। 1 पिंच के करीब हम इस पर हल्दी ऐड कर लेंगे, इससे भिंडी का कलर अच्छा हो जाएगा। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है आप देख सकते हैं, और इसके अंदर जो एक सेकना था हमें वो भी हो चुका है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम उसी बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे जिसमें से हमने इसको निकाला था। तो भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर अब ले लिया है 1 सर्विंग स्पून ऑयल, आप इस पर कम भी ऐड कर सकते हैं। ये सरसों का ऑयल है, इसे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 बड़े साइज़ के अनियन को मैंने ग्राइंड कर लिया है। बहुत फाइन पेस्ट की तरह नहीं बनाया है कि थोड़ा सा दिखता हुआ होना चाहिए, जिसे हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसे पल्स मोड पर ग्राइंड किया है, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट करके, ये भी हमारी फ्राई होती रहेंगी। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, हल्के कलर की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमको नहीं लेकर आना है। अब आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर की हमारी प्याज हो गई, इससे ज़्यादा हमें कलर लेकर नहीं आना है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये हमारे पास में धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इन सारी चीज़ों को 30 सेकंड के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि मसाले का जो कलर है वो अच्छा हो जाएगा, और इसके अंदर जो एक कच्ची स्मेल होती है वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, मसाला हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इसको फाइन प्यूरी की तरह बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा हमें सूखा मसाला नहीं भूनना है, वरना मसालों में से जलने की स्मेल आने लगेगी। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर देंगे और इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ये जो टमाटर हैं हमारे इनका पानी खुशक होता है। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब दही, दही को हमने बीट कर लिया है, और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे तो दही आपका फटेगा नहीं, अच्छे से आप इसमें चम्मच चलाते रहिए इस तरह। तो दही हमारा मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि दही की जो कंसिस्टेंसी एकदम से परफेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैंने मूंगफली के दाने लिए थे, और उसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद में इसका छिलका हटाने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो इसका ये पाउडर तैयार है हमारे पास में, ये हम ऐड कर लेंगे। इससे जो मूँगफली का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, साथ में ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बहुत ही बढ़िया आती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इससे, क्योंकि रिचनेस आ जाती है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 बाउल के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, 100 ml मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और अब इसे हम कवर करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर देंगे, और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से कुक होने देंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकते हुए हमारी ग्रेवी को तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम भिंडी ऐड कर लेंगे, ये देखें आप बहुत अच्छे से पक रही है ये ग्रेवी, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि आपकी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने भिंडी भी ऐड कर दी है, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। तो इसे 2-3 मिनट हमारे लिए पकाने में लगेगा तकरीबन, क्योंकि भिंडी को हमें पूरी तरीके से टेंडर करना है। तो इसके अंदर तकरीबन हम 50 ml के करीब पानी और ऐड कर देंगे,
क्योंकि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है। अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक हो जाने देंगे, यहाँ तक कि भिंडी हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। भिंडी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और भिंडी हमारी बहुत ही शानदार खुशबू दे रही है, और आप देख सकते हैं कि भिंडी के ऊपर ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। आप देख सकते हैं कितने शानदार लग रही है भिंडी मसाला हमारी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा खपता नहीं है तो मसाला आप कम ही डालें, गर्म मसाले को कम यूज़ करें। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे, फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे, इसको कर लेंगे डिश आउट। तो बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी बनकर हमारी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी शानदार लग रही है देखने में। आप इसको रोटी के साथ में या फिर आप इसको पराठों के साथ में सर्व कर सकते हैं, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।